बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये बात हुई ना। बिग फैन ऑफ शाहरुख खान और ये लास्ट स्टार है बॉलीवुड का। हेलो वन, मैं दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना कि मेरे घर वाले तो समझते ही नहीं है ये सुपरस्टार नहीं, दुनिया है मेरी। और आज 6 बजे का शो, जितने भी लोग आए देखने के लिए, शाहरुख खान उनके लिए पूरी दुनिया है। तो हम सारे जितने भी लोग आए हैं, कुछ लोगों से जान के लेंगे कि क्या दीवानगी है, क्या क्रेज है फॉर शाहरुख खान जवान। इट्स अ फेस्टिवल सीजन। आज जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट किया है फैंस ने यहाँ पे। एंड लेट्स सी क्या कहना है फैंस का फॉर जवान के लिए। जवान के लिए जो कुछ बोले, तो जितना बोले तो कमी है। मुल्कों की पुलिस सुन रही है जवान को, आज भी उसी लुक में हो। शुक्र है सबने ये लुक पे। यस, हॉस्पिटल अभी सेकंड लुक आएगा, अप्रेसिट वाला। अब अरिजीत वाला सेकंड लुक आएगा। ओके, वो सेकंड शो में रहेगा। वो जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। ओके, वो जवान, जय जवान। आ गया, बाप आ गया। क्या बोलेगा जवान? एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। सुबह 6 बजे का शो इतिहास में पहली बार लगाया गया है गेटी गैलेक्सी में। हमारे यूसुफ भाई भी यहाँ खड़े, एक बार कैमरा पैन किया जाए। यस, पूरा अरेंज कर रहे हैं, पूरा संभाल रहे हैं। इतने बड़े भाई शाहरुख खान के लिए महोत्सव है ये। इतना कुछ नहीं होता। What do you want to say for Jawan? It has brought the country together, so I mean kudos to Jawan. We all love Shah Rukh Khan, and you see everybody has woken up, and before going to office there, you can imagine the fanfare that he has. It's a festival. Love you Shah Rukh, I hope this reaches you. Yeah, it will reach. For Shah Rukh Khan, kya kahoge? We are Shah Rukh, we are Shah Rukh, we are Shah Rukh. I love Shah Rukh Khan. You love Shah Rukh Khan? Yeah, you love Shah Rukh Khan? You're a fan. Okay, aap kya kahoge? Big fan. Aap kya kahoge? I like him. 6 baje aaye ho utke. कुछ तो एक्साइटमेंट रहेगी जवान के लिए। इनको ज्यादा है तो इन्होंने ज्यादा बोलना चाहिए। नकली फैन निकली, आप क्या बोल रहे? किस बारे में बताइए? शाहरुख खान की जवान के लिए क्या एक्साइटमेंट? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ज्यादा। यस। गाना कौन सा पसंद है? चलिया। डायलॉग? डायलॉग, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। क्या बात है, ये असली फैन बाजू में नकली है भाई। We have been waiting for this movie since so long, and finally it's here, and it's obviously going to be a very happy and nice moment for us. And 6 बजे गेटी गैलेक्सी में देखना, it's one of the milestone that we have reached now. Okay. And let's see where it takes. What is your favorite song? अभी तक तो नहीं, बट वो वाला नहीं अच्छा लगा। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये बात हुई ना। एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा हाई। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। ओके। एंड सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एट द मोमेंट। वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। ओके, चलिए और थोड़ा लाइन से जान के लेंगे। 1000 लोग आए हैं, पूरा 1000 का थिएटर बुक हो गया है सुबह 6 बजे के लिए। आप क्या कहना चाहोगे शाहरुख खान की जवान के लिए? शाहरुख खान के बारे में क्या कहना है, पूरा वर्ल्ड पहचानता है शाहरुख खान को। एंड ही इज द किंग, एंड ही इज अ किंग ऑफ बॉलीवुड, एंड ही इज अ किंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। इज वन ऑफ द सुपर स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये लास्ट स्टार है बॉलीवुड का। लास्ट के बाद कोई स्टार होने वाला नहीं। इतने आए, इतने गए, पिछले 30 साल से तो हम देख ही रहे हैं, इतनी जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। और आज के 57 के उम्र में भी जवान जवान है, तो जवान को कौन? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। रेडी टू गो गर्ल्स। क्या बात आएंगे आपके पास रिव्यू जानने के। थैंक यू सो मच फिल्म। यस, यहाँ पे टी शर्ट डाल के खड़े हमारे भाई। क्या बोलोगे जवान के लिए? शाहरुख खान आए वापस, अच्छी पिक्चर है।
ट्रेलर अच्छा लगा, अभी पिक्चर देखने आए हाँ। और SR यूनिवर्स भी सही काम कर रहा है जी। उसके थ्रू हम लोग आए, मतलब के थ्रू। डायलॉग कौन सा पसंद आया ट्रेलर में? डायलॉग तो सबको एक ही पसंद आया है, हो जाए बोल के दिखाइए, समीर वानखेड़े वाला। अरे समीर वानखेड़े को हाथ लगाने से पहले से बात कर, अंदर सेलिब्रेशन भी अच्छी होने वाली है उसके लिए। यस आप देखिएगा। ओके आप क्या बोलोगे सर? हम बोलेंगे लॉन्ग लिव किंग एंड लॉन्ग लिव हिज किंगडम। ओके वंडरफुल वंडरफुल। शाहरुख खान टी शर्ट पहन के आया सुबह 6 बजे, क्या मतलब दीवानगी इतनी क्या है शाहरुख खान के लिए? पठान की ये ह्यूज सक्सेस के बाद अभी जवान आई है, तो हम जवान के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, इतना एक्साइटेड है, इसीलिए हम SR के यूनिवर्स की तरफ से हम सब सुबह इकट्ठा हुए हैं और हमारा लव आपको दिख सकता है SR के लिए। और सर की ये मूवी पैन इंडिया मूवी होने जा रही है, तो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर इट एंड इट विल बी ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ये भी होगी। यस पक्का है। हाँ, 100%। लग ही रहा है इतनी दीवानगी देख के, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। हाय क्या कहोगे शाहरुख खान के लिए? आई एम बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। या कम 6 AM शो। या फॉर शाहरुख खान ओनली। ओनली फॉर शाहरुख खान। ओके विल मीट यू आफ्टर द फिल्म। आप क्या कहोगे शाहरुख के लिए? बस मेगा ब्लॉकबस्टर, और क्या बोलेंगे, मेगा ब्लॉकबस्टर। 1000 करोड़ की पहली मूवी है, गद्दार का रिकॉर्ड 5 दिन में तोड़ेगी। अच्छा गदर गदर। ओके आप क्या कहोगे शाहरुख खान की जवान के लिए? 100% वी वर वांटिंग हिम टू बी बैक आफ्टर पठान एंड उनका जो ब्रेक था उसके बाद आए, डेफिनेटली इतना एक्साइटेड है, 6 बजे का शो है और हम सब आए, तो मस्ट वॉच मूवी, थ्रिल होगा डेफिनेटली इतना, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जवान? ओके आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जवान? बहुत ज्यादा। ओके तो खाली इतना बोलना चाहूंगा, जो बॉयकॉट कर रहे हैं ना, रास्ता ना आप लोग अपना अलग जा रहे, जवान आज जवान होके आएंगे। जो बोले रहेंगे ना वो भी बोलेंगे भाई जवान हो गया मैं, जवान हो गया, जवान हो गया, दिल भी सिकंदर, जवान जवान सिर्फ जवान। और जवान बोले तो SR के बॉक्स ऑफिस का किंग भाई ने बॉक्स ऑफिस को जिंदा कर दिया, बॉलीवुड को जिंदा कर दिया भाई। भाई बॉलीवुड बर्बाद हो चुकी थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे बॉलीवुड बर्बाद हो गया, लेकिन SR पठान से जिंदा कर दिया, उसके बाद गदर तू ने और भी जान बढ़ा दिया। और जवान देख सकते आप करोड़, जवान की ओपनिंग इसकी माँ का पूरी इंडिया हिल जाएगा, पूरी इंडिया हिल जाएगा, 70-80 करोड़ तो हिंदी में खरीद लेगा ये। अच्छा फाड़ देगी मूवी का अलग, साउथ का अलग, ये पहली मूवी बनेगी साउथ में जो सबसे ज्यादा कमाई करेगी। किंग खान है भाई, किंग खान है। अब बॉयकॉट गए भाई दीपक भैया आओ, लेकिन बॉयकॉट हुआ किस वजह से वही नहीं पता मुझे। हाँ यार भगवा कलर तो था ही, कुछ भी नहीं था भाई, नहीं इसमें बॉयकॉट किस। हालांकि आपको बता दूं कि जो दीपक थे ना दिल्ली के दीपक, वो इस बार बहुत कोशिश किए कि जवान को बॉयकॉट करे, लेकिन उनको कुछ मिला ही नहीं भगवा कलर। तो दीपक भैया अपना दिल्ली के लाल किला में बैठ जाओ, अब भीख मांगो अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। दीपक भैया तुम्हारा पिछवाड़ा लाल हुआ कि नहीं बंदर जैसा, बस इतना ही बोला। हमारे भाई भैया के बहुत दुश्मन है भाई। देखो फाइनली शाहरुख खान 4 साल के बाद यार कमबैक किया, शाहरुख खान ने पठान के साथ, उसके बाद आ रही है जवान, मतलब ऑलमोस्ट लग चुकी है 6 AM का शो, गेटी गैलेक्सी में एक हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद राजू यानी यार डंकी लेकर आ रहे हैं ना, तो यार दीपक दलाल तेरा कुछ काम नहीं होने वाला। और दीपक दलाल ने अभी मतलब यार तूने बॉयकॉट 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 किया नहीं तो और बुक माय शो क्रैश हो जाता, और शाहरुख खान ने ना यार फाड़ के रख दिया सीरियसली। Yes, we are very very excited. Yes, yes, yes. We have everything. SRK universe, SRK universe, all fans, सारे fans. हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने तैयारी जो बहुत अच्छी हुई, तैयारी तो बहुत टाइम से चल रही है। Celebration जो भी था मजा आया हमें देख के, अभी क्या है मतलब आगे आप? अभी मूवी सब देखेंगे, उसके बाद वापस से आना और वापस से सेलिब्रेशन में पार्ट लेना, बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। ट्रेलर कैसा लगा आपको, क्या मतलब उम्मीद क्या है फिल्म? आप देख तो रहे कैसे चल रहा है, 6 AM फर्स्ट टाइम हिस्टोरिक शो, और वो भी गेटी में, जब कोई भी मल्टी स्क्रीन नहीं भी था तभी भी गेटी था, तो वहाँ पे 6 AM शो अरेंज हो रहा है, सिर्फ शाहरुख खान के साथ ऐसा हो सकता है। 1000 लोग, माय गॉड, मतलब ये सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकता है जो इतने लोगों को सुबह उठ के अपनी पिक्चर देखने के लिए लेके आ सकता है।